ओके फ्रेंड, तो हम पढ़ने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन साइंस चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, साथ में टॉपिक भी दूंगा। ठीक है फ्रेंड, और साथ में पीडीएफ भी दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ है, तो ब्लूप्रिंट यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारे पास क्या है ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से, देखिए हमारे पास ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो हमारे पास है ये बिना ऑप्शन के 6 मार्क्स का था, जो कि अब 10 मार्क्स का हो गया है। ठीक है फ्रेंड, मतलब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपका क्या होगा, 10 मार्क्स का मार्क्स काउंटिंग हो जाएगा 80 में से। ठीक है, इसके पहले आपको मैंने 5, 7, 2, 3 और चैप्टर नंबर हमारे पास लास्ट में आता है। इसके बाद मैंने फिजिक्स का आपको दे दिया था चैप्टर नंबर, यहाँ पे चैप्टर नंबर दे दिया मैंने 10। ठीक है, अपना ये ह्यूमन आई वाला। ठीक है, तो ये हमारा 14 मार्क्स का था, ये 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का, 9 मार्क्स का और ये आपका 10 मार्क्स और आ गया। ठीक है, टोटल 64 मार्क की कवरिंग कर सकते हो खाली आप इतने ही चैप्टर पढ़ के, सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ करके आप जीबीएससी में 80 में 64 मार्क्स गेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे पास सब। चलिए फ्रेंड, अभी आप उसको तैयारी कीजिए, मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रिपीट होता है यहाँ पे एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड, ओके फ्रेंड, तो यहाँ टॉपिक देखते हैं हमारे पास। देखिए टॉपिक हमारे मैक्सिमम क्या पूछता है कि इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज कंज्यूमर और व्हाट इज डी कंप्योजर। ऐसा मतलब क्या अलग टॉपिक पूछ सकता है आपको, प्रोड्यूसर ही पूछ सकता है यहाँ पे, अलग टॉपिक करके पूछेगा या तो दो टॉपिक का डिफरेंट करने बोल देगा। ठीक है, या तो उनसे ही कोई रिलेटेड क्वेश्चन आके पूछेगा, मतलब टॉपिक लेगा उनका इतना ही, बट इसमें से क्या करेगा अलग अलग टॉपिक को यहाँ पे ऐड करके आपको पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, एनर्जी के लेवल आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास एनर्जी लेवल कैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मान लो किसी एनर्जी सिर्फ 10% इंक्रीज कर दी जाए तो वो क्या होगा कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इंटर कर देगा। तो आपको यहाँ पे इस पूरे ड्राइंग ग्राम को बना करके सुनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स के बाद पूछ सकता है आपको। वहीं आपको पूछ सकता है कि फ्रूट चैन, तो क्या करना होगा, आपको पूरा डायग्राम बना करके फ्रूट चैन को समझाना होगा। ठीक है, बुक में आपको अच्छे खासे डायग्राम दिए, उस डायग्राम यूज कर आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, सर टॉपिक लेवल ये सर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इतने टॉपिक में से ही सारे टॉपिक को कवर करेगा, टॉप पॉइंट आपको ये सब लिखने होते। जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द ट्रॉपिकल लेवल, गिव ए एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट इट्स वेरियस ट्रॉपिकल लेवल, ट्रॉपिकल लेवल के बारे में बताओ और उसके कितने एग्जांपल है फूड चेन समझाने होंगे। ठीक है, और अलग लेवल का समझाना होगा। तो आपको यहाँ पे आपको दिख ही रहा है डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इस डायग्राम के हिसाब से आप यहाँ पूरे पॉइंट कवर कर सकते हो, साथ में डायग्राम को ऐड कर देना वहाँ पे। ठीक है, वहीं आपसे पूछ सकता है कि क्लेरिफाई द डिफरेंट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी इसी नाम टॉपिक दिया हुआ है। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर एंड इकोसिस्टम, मतलब डीकम्पोजर का इकोसिस्टम में क्या रोल है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी हमारा टॉपिक यहाँ पे को दिख रहा है डीकम्पोजर वाला, ये टॉपिक यहाँ पूछ। वही अपने पूछ सकते हैं कि व्हाई इज द एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शन इन द इकोसिस्टम, गिव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फॉर इट। तो ये हमारा ये डीकम्पोजर का टॉपिक दिया हुआ, यहाँ से फूड चेन नीचे वाला, ये इसी का टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड, वही हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द वन ट्रॉपिकल लेवल, अगर हम एक लेवल के सभी एनिमल को मार देंगे तो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, ये भी इसी टॉपिक क्वेश्चन है हमारे पास, 2 पेजों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी देखिए हमारे फ्रेंड यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, यहाँ पे ओजोन लेवल का मतलब ओजोन लेयर किस तरह से खराब हो रहा है। ठीक है, और ओजोन लेवल किस तरह बनता है, उसे खराब होने का रीजन्स क्या है, और यहाँ पे टॉपिक हम दे रखा है कि जो गैस चीज़ें होती हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनका काम किस तरह से होता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है अपने ओजोन लेयर खत्म किस तरह से हो रहा है और बनने का फॉर्मेशन, और साथ में इसे पॉइंट्स हो सकता है 5 पॉइंट साथ में पूछ ले कि भाई कौन से टाइप्स हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इतने आएंगे, इतने खाली पढ़ने के आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड जाओ पढ़ो, अपने एग्जाम को कंप्लीट करो, इसका पीडीएफ नीचे मिल जाएगा लिंक में। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट